आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 साल का है बल्कि खबर नहीं। और दिन चढ़िया ते डिगर होई, पंछी करान आए, ओ नी आउंदे फेर मोहम्मद मौत जिना ले जाए। अल्लाहु 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 अल्लाह। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल नफ्स ज़ायकतुल मौत, कि हर जानदार शय ने मौत का ज़ायका चखना है। जो इंसान दुनिया पर आया है, एक दिन उसने इस दारुल फना को छोड़कर दारुल बका की तरफ जाना है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, दुनिया का कोई भी मजहब हो इस बात का इनकार नहीं करता कि हमने एक दिन मर जाना है। हर एक शख्स का उसका तल्लुक किसी भी मजहब के साथ हो, सब ये मानते हैं, खा वो साइंसदान ही क्यों ना हो, कि मौत एक हकीकत है जो सबको आनी है। सब ने इस दुनिया को छोड़ना है। मौत जब आ जाती है, वो ये नहीं देखती कि इंसान माँ की गोद के अंदर बैठा हुआ है, इंसान बरौने मुल्क है, इंसान सफर के अंदर है। जब वक्त आ जाता है, वो आके रहता है, इंसान दुनिया पानी को छोड़ देता है। लेकिन फरमाया, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, तो इसके सारे अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। जब वो जिंदा था, नेक अमल भी करता था, पूरे अमल भी करता था, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है, सारे अमल को सिलसिला रुक जाता है। लेकिन 3 अमल ऐसे हैं, इंसान कब्र के अंदर होगा, लेकिन उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। जब तक वो 3 काम बाकी रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। फरमाया के पहले नंबर पर, नंबर 1 जो है, वो इंसान ने जिंदगी के अंदर वो सदका जारिया, वो मदरसा बन रहा था, कोई मस्जिद बन रही थी, वो रास्ता बन रहा था, किसी नेक काम के अंदर उसने अपना हिस्सा डाला, कोई पानी वाला फिल्टर था जिससे अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा होता, उसके अंदर उसने अपनी नेक कमाई से एतायर ना होती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती है परवास में कोताही, रिज्क हराम नहीं बल्कि हलाल में से उसने अल्लाह की रजा की खातर उसमें हिस्सा डाला। जब तक वो मदरसा, वो रास्ता, वो पानी वाला फिल्टर, जब तक अल्लाह की मखलूक उससे फ़ायदा उठाती रहेगी, इंसान कब्र के अंदर होगा और उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये कभी ना ख़त्म होने वाला सवाब है, कभी ना ख़त्म होने वाला अजर है। तो मैं कहता हूँ, 2 नंबर पर साले औलाद, जब इंसान दुनिया पर था, उसने अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दी कि उसके चले जाने के बाद वो औलाद जो भी नेक अमल करेगी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो भी नेक अमल सारे अमल करेगी, करते तो वो होंगे दुनिया पर अमल, लेकिन सवाब जो है वो कब्र के अंदर मरने वाले को पहुंचता रहेगा। अल्लाहु 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 अल्लाहु।